गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन RCI एजुकेशन हब। इन दिस वीडियो, इन दिस चैनल वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट एजुकेशन टू यू। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथ प्रैक्टिस ऑफ 10th क्लास, स्पेशली इन मिनरल्स, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, इट विल बी केम इन योर एग्जाम। सो वी आर डिस्कसिंग टुडे विच आर द कंटेंट इट विल बी केम इन योर एग्जाम एंड वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पैटर्न। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट which you are seeing in your video, what I draw on your board. So these all are the content are reflect or to a particular minerals. These are mica, iron ore exporting center and magazines and bauxite are there. So in this video we are trying to understand where the particular place and which type of minerals are found to where. So with the help of this map we try to understand about all the things. Okay students, so let's start now. सबसे पहले हम बात करें तो जैसे अभी मैं इंडिकेटर्स की बता देता हूँ, ये जो आपने इंडिकेटर बनाए हैं इंडिकेटर्स के, सबसे पहले जो ये इस तरह का जो शेप बनाया मैंने वो माइका के लिए बना दिया, ट्रायंगुलर शेप भी मैंने बना दिया, आयरन के लिए बना दिया, एक क्या कहते हैं इसको जो रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप है इसको आयरन और एक्सपोर्टिंग सेंटर के लिए बना दिया, एक अलग से फ्लास्क टाइप में मैंने बना दी मैगजीन के लिए, एक यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बीच को डिवाइड कर दिया, इसको बॉक्साइट से मैंने इसको इंडिकेट कर दिया है। तो इसी के साथ साथ में हम देखते हैं ये सारी सारी जो चीज़ें, क्योंकि बुक्स में तो आपके और भी कंटेंट है, पर मैंने यहाँ पे जो आपको बताना है वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट्स होती हैं, उन्हीं चीज़ों को आप डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले हमें अजमेर और बीमार की अगर बात करें तो ये माइका के सेंटर से जो आपके राजस्थान को देखने को मिले। अमरकंटक की अगर बात करें तो अमरकंटक आपके HP जो हिमाचल प्रदेश के बीच, हिमाचल प्रदेश के जो रीजन है वहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो ये जो मैंने इंडिकेटर बनाया है ये बॉक्साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ साथ में रत्नगिरी अगर बात करें, रत्नगिरी महाराष्ट्र के साइड में हो गया, मारमंगा हो गया जो गोवा के पास में है, इसे ठीक है सीमंगो है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा मैगजीन मिलेगा, मारमंगा में आपको आयरन एक्सपोर्टिंग सेंटर है। ओके, उसके साथ साथ में यहाँ पे जो ट्रायंगुलर शेप मैंने बताया था आयरन के लिए यहाँ पे कुदेमुख है। उसी के साथ साथ एक और यहाँ पे जो आयरन ये आयरन और एक्सपोर्टिंग सेंटर है जिसके लिए यहाँ पे लिखा है मैंगलोर, ये आपके यहाँ पे हो गया, ये साउथ वाला पार्ट हो गया। उसके साथ साथ में यहाँ पे ये आपका कर्नाटका केरला वाला जो एरिया है वहाँ पे ट्रायंगुलर शेप किसको आइडेंटिफाई कर रहा था, ये आयरन को आइडेंटिफाई कर रहा था। तो आयरन को जो आइडेंटिफाई कर रहा था तो इसके लिए कौन सा रीजन दिया गया था, तुमकुरू और बेलारी आपके लिए यहाँ पे आयरन और एक्सपोर्ट सेंटर है। यहाँ पे डर्ग है दूर भी जिसको आप बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर में आ रहा है आपका आयरन आ रहा है। फिर साथ साथ में अगर हम बात करेंगे ये उड़ीसा वाला जो आ गया, इसमें पारादीप हो गया, मयूरभंज यहाँ पे उसके पास में हो गया, हजारीबाग जो आपके बिहार की साइड में हो गया, गया आपका बिहार में हो गया, और इधर वाला जो बीच में जो एरिया पड़ता है ये सुंदरगढ़, यहाँ पे आपको मैगजीन का सेंटर मिलेगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि दीज आर ओनली ऑन 10 to 15 कंटेंट आर देयर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पेपर में। मैं आपको बताऊं जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो उसमें जो लास्ट जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 24 क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है तो लास्ट के दो क्वेश्चन होंगे वो आपके मैप बेस्ड होंगे, और मैप बेस्ड होंगे तो उसमें 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। दीज आर 2 मैप्स आर केम इन योर एग्ज़ाम। ओके, तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा जो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा उसमें आपका मिनरल्स होगा, मिनरल्स के साथ साथ में आपके जितने रिलीफ्स होंगे जिसमें माउंटेन एरिया हो गया, हिल्स एरिया हो गया, ये होंगे। और उसके साथ साथ में ये मैंने आपको बता देना एक चीज़, और जो आपने 9th क्लास में जो पेनिनसुला प्लेटू वाला जो रीजन देखा था उसी पे आप एक बार वापस से डिस्कस कर लें, क्योंकि उसी में जो चीज़ 2-3 चीज़ें हैं वो भी आपके एग्जाम में आती रहती हैं। बात करते हैं हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 3rd है नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया, उस कंटेंट से भी आपके 3 मार्क्स का एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आता है। तो वो भी इसी मैप की वजह से मैं इसी मैप की हेल्प से मैं आपको बता दूं, बिकॉज उसमें भी मुश्किल से 8-10 कंटेंट है वो आपके आते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आते हैं उसमें सबसे पहला जो चीज़ दी गई है वो कांग्रेस के सेशन दिए गए हैं, कांग्रेस के सेशन को 3 कंडीशन में डिवाइड किया गया, एक तो 1920 में,
एक 1921 और एक 1929, सॉरी 1927 और 1929, ये नहीं 1927 नहीं था, 1921 ही था, कांग्रेस का सेशन और कांग्रेस सेशन, ये 1920 तो नागपुर का था, ठीक है, 1921 ये मद्रास का था और 1929 ये कैलकटा का कांग्रेस सेशन था, ये आते हैं। उसके साथ साथ में पंजाब में क्या था, अमृतसर, और अमृतसर में क्या हुआ था, पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये हो गया अमृतसर जलियांवाला बाग मैसेकर। सेकंड की अगर बात करें तो ये नागपुर हो गया, इसमें कांग्रेस सेशन हो गया, कांग्रेस सेशन 1920 हो गया। उसके बाद में ये यहाँ पे आ गो, आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है, मद्रास, जो कि आज के मॉडर्न नेम की अगर बात करें तो चेन्नई हो गया, चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास, तो मद्रास में कांग्रेस सेशन हो गया, कांग्रेस सेशन हो गया 1921। यहाँ पे कैलकटा कांग्रेस सेशन 1929, दीज आर फोर कंटेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में यूपी और बिहार, यूपी और बिहार भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी की अगर बात करें तो यूपी में आपका कौन कौन सा था, एक तो चंपारण और एक बारडोली, ठीक है, और एक खेड़ा, ये मूवमेंट्स थे जो गांधी के द्वारा किए गए थे। बारडोली भी एक अलग से मूवमेंट था, उसमें भी पीजेंट्स का ही सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सारी सारी चीज़ें आपके यहाँ पे दी गई है, चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, और एक था बिहार का ही एक चोरी चोरा इंसिडेंट्स, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। गुजरात की बात की तो गुजरात में भी एक मूवमेंट हुआ था, गुजरात में कौन सा मूवमेंट हुआ था, अहमदाबाद में मिल वर्कर का मूवमेंट हुआ था, वो भी आपके एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो अहमदाबाद की बात में आपने पंजाब के साथ साथ में आपके तीन ही जो कांग्रेस सेशन, उसके बाद में ये जो आपका खेड़ा हो गया, खेड़ा के बाद में चोरी चोरा हो गया, और उसके बाद में आपका चंपारण हो गया, ये और ये मद्रास कैलकटा, ये सारे जो सेशन है इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपके सारे कंटेंट एग्जाम में आएंगे। तो इस मैप में जो आपने इस वीडियो में देखा है, इसमें टू मैप आपके क्लियर हो गए, तो ज्योग्राफी का हो गया मिनरल्स का, और वन तो हो गया ज्योग्राफी का, और सेकंड हो गया आपका हिस्ट्री का आपका जो थर्ड नंबर चैप्टर था नेशनल मूवमेंट वो। तो आपको क्या करना है, इन दोनों मैप को आपकी नेट जो आपकी SST की बुक है उसमें दोनों को अलग से बनाओगे, अलग अलग दोनों को पेस्ट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।